चलिए इस वीडियो में हम सिंगल फेज और थ्री फेज के एनर्जी मीटर का कनेक्शन करना सीखेंगे। तो पहले सिंगल फेज के एनर्जी मीटर का कनेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें कनेक्शन करने के लिए चार टर्मिनल होते हैं, जिसमें दो फेज और न्यूट्रल के इनपुट टर्मिनल होते हैं और दो आउटपुट टर्मिनल होते हैं। तो जो फेज की सप्लाई है वो पहले वाले टर्मिनल में इन करवाई जाती है और जो सबसे लास्ट वाला टर्मिनल होता है उससे फेज की सप्लाई आउट करवा ली जाती है। और जो न्यूट्रल की सप्लाई है वो सेकंड वाले टर्मिनल में इन करवाई जाती है और थर्ड वाले टर्मिनल से आउट करवा ली जाती है। इस प्रकार सिंगल फेज एनर्जी मीटर का कनेक्शन किया जाता है। और आगे यदि हमें कुछ सेफ्टी डिवाइस लगानी हो तो जैसे MCB, LCB, RCB या DP स्विच लगा सकते हैं। यह तो रहा हमारा सिंगल फेज एनर्जी मीटर का कनेक्शन। और थ्री फेज एनर्जी मीटर का कनेक्शन की बात करते हैं, तो जो थ्री फेज एनर्जी मीटर होता है उसमें आठ टर्मिनल होते हैं, जो कि तीन फेज के इनपुट टर्मिनल होते हैं और तीन आउटपुट टर्मिनल होता है, और एक न्यूट्रल का इनपुट टर्मिनल होता है और एक न्यूट्रल का आउट टर्मिनल होता है। इस प्रकार आठ टर्मिनल होते हैं। तो पहले वाले टर्मिनल में जो फेज के कलर कोड होते हैं RYB, तो पहले वाले टर्मिनल में आर फेज की सप्लाई को इन करवाते हैं और इसके जस्ट साइड वाले या इसके जस्ट पास वाले टर्मिनल से आउट करवाकर फेज की सप्लाई ले लेते हैं। इस प्रकार आर फेज आगे आउट होने लगा और RY यानी येलो कलर का जो फेज होता है, जो हमारे फेज के कलर कोड होते हैं, तो येलो फेज की सप्लाई थर्ड वाले टर्मिनल में इन करवाकर इसके जस्ट साइड वाले टर्मिनल से आउट करवाकर ले लेते हैं। इस प्रकार वाई फेज दो फेज हमारे आउट होने लगी और जो ब्लू फेज यानी RYB उसकी सप्लाई को पांचवें नंबर के पॉइंट में इन करवाकर छठवें नंबर के पॉइंट से आउट करवा कर ले लेते हैं। इस प्रकार तीनों फेज की सप्लाई आउट होने लगी और जो न्यूट्रल की सप्लाई है वह सातवें नंबर के टर्मिनल में इन करवा कर लास्ट वाले या आठवें नंबर के टर्मिनल से आउट करवा कर ले लेते हैं। इस प्रकार तीनों फेज और न्यूट्रल की सप्लाई एनर्जी मीटर से आउट होने लगी। और आगे हमें चार पोल की MCB लगानी होगी और आगे हमारे घर के लोड का कनेक्शन या हमारे घर की वायरिंग कर सकते हैं। तो आगे हमारे कोई भी सेफ्टी उपकरण जैसे MCB, LCB आदि चला लगा कर अपने घर का कनेक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से सिंगल फेज और थ्री फेज के एनर्जी मीटर का कनेक्शन किया जा सकता है।